फाइनली आ चुके मास समाजा अयोध्या की सिंगम अगेन के कोने एपिसोड में वापिस हम। तो आज चल रहा है बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 3 एंड फर्स्ट ऑफ संडे है एंड पहले वीकेंड का फाइनल डे भी है भाई। देखेंगे आज के दिन कितना कलेक्शन है वो आ सकते हैं, क्या मामला फ्राइडे के मुकाबले ज़्यादा है, सैटरडे के मुकाबले ज़्यादा है या फिर हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। देखो आज हमने सुबह डिस्कशन किया था कि आज संडे है, हमें मॉर्निंग कमेंट्स स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी, इवन आफ्टरनून हो गया, इवन इवनिंग हो गया, आज संडे भाई जाहिर सी बात है कंपेरिजन टू सैटरडे बड़ा नंबर है वो आ सकता है। तो क्या हमें ऐसा सीन सिनेरियो है वो देखने को मिला है भैया, आगे जानने वाले। पर उससे पहले डे नंबर 2 तक क्या कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड में, मैंने ऑलरेडी भाई डिस्कशन है वो कर दी है एंड जिन्होंने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, इससे पहले वाला एपिसोड है वो अभी जाओ एंड देख कर आओ। अभी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो फ्राइडे एंड सैटरडे का नंबर है सीधा गाइस डायरेक्टली डे नंबर 3 की बात करते हैं। अभी 9 PM तक टोटल ऑफ कितना कलेक्शन है वो हो चुका है और कंपैरिजन करेंगे यस्टरडे 9 PM के साथ एंड टोटल ऑफ हमें कितना ड्रॉप या फिर कितना जंप है वो देखने को मिल रहा है। स्टेट वाइज नंबर, नंबर 1 महाराष्ट्र 1450 शोज है, 50% ऑक्युपेंसी एंड 5.88 CR कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट गुजरात की बात करें 1429 शोज है, 54% ऑक्युपेंसी, तो यहाँ 50 से ज़्यादा ऑक्युपेंसी है यहाँ पे भी एंड 4.32 CR कलेक्शन आ रहा है, 1429 शोज हैं आज महाराष्ट्र कंपैरिजन टू भूल भुलैया 3 ज़्यादा बिजनेस आ रहा है सिंगम का, कंपैरिजन टू गुजरात ज़्यादा बिजनेस आ रहा है सिंगम का एंड कल के साथ कंपैरिजन करें तो कल 4.37 सेम टाइमिंग एज एम नो 4.32 CR है। तो यह गुजरात के अंदर हमें थोड़ा सा भाई गिरावट है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट दिल्ली यूटी ऑलमोस्ट 916 शोज है, 33% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड 2.47 CR कलेक्शन एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 3.0 दिल्ली की बात कर रहे हैं या 3.70 CR। तो आज दिल्ली के अंदर हमें अच्छा आसान नंबर में गिरावट है वो देखने को मिली है। एक तो आज भाई शोज कम है कंपैरिजन टू सैटरडे भाई कम कर दिए गए एंड नेक्स्ट बिजनेस में भाई हमें थोड़ी सी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। एंड यूपी की बात करें 1.57 CR 647 शोज में नियरली 45% ऑक्युपेंसी एंड यस्टरडे 2.20 CR। तो भाई यूपी के अंदर भी आज के दिन हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है, दिल्ली भी नीचे गया है एंड यूपी मेरे भाई नीचे वो आया है। नेक्स्ट राजस्थान 387 शो 47% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड 1.32 CR कलेक्शन एंड यस्टरडे नियरली 1.74 CR। तो भाई राजस्थान में भी हमें आज के दिन ओवरऑल गिरावट है वो देखने को मिल रही है। देखो भाई नाइट के शो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जाएंगे कंपेरिजन टू सैटरडे, ओवरऑल भी नंबर आज गिरने वाला है। कर्नाटका ऑलमोस्ट 371 शोज है, लगभग 37% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड 1.20 CR कलेक्शन एंड यस्टरडे 1.49 CR, विच मीन्स कि कर्नाटका के अंदर भी कंपैरिजन टू यस्टरडे हमें अच्छी खासी भाई गिरावट है वो देखने को मिल रही है। एंड आज कर्नाटका की बात करें भाई भूल भुलैया 3 एज ऑफ नो प्रेजेंट टाइम 1.40 CR से ज़्यादा कमाई कर चुकी है एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन शोज, ऑफलाइन शोज को छोड़ के ये ऑल ऑफ नंबर हम शेयर भी कर रहे हैं। तो कर्नाटका में भाई आज सिंगम से काफ़ी पीछे हैं। नेक्स्ट एमपी की बात करें यस्टरडे 1.09 एंड एज ऑफ नाउ 84 लाख के आसपास है, यहाँ पे हमें गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तेलंगाना 195 शोज है, 60 लाख के आसपास कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है एंड रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें 2027 शोज में 3.20 CR है एंड ओवरऑल 33% ऑक्युपेंसी एंड मल्टीप्लेक्स डेटा PVR 9.80 CR, सिनेपोलिस 2.34 CR, टोटल 12.14 CR है 3400 शोज में एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 14.47 CR ओनली फॉर मल्टीप्लेक्स डेटा। ये कुछ भाई लेखा जो है कंपैरिजन टू यस्टरडे डेटा एंड ओवरऑल भी देखा जाए तो या नियरली 9000 शोज में आज 23 करोड़ के आसपास जा रहा है जो कि कल भाई 27 CR प्लस सेम टाइमिंग ज़्यादा था। तो आज हमें भाई बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है नंबर्स में कंपैरिजन टू फ्राइडे कंपैरिजन टू सैटरडे। आज संडे के दिन हमें कलेक्शन में गिरावट है वो देखने को मिल रही है जो कि बात करें भाई भूल भैया 3 की, भाई उनका कलेक्शन कंपैरिजन टू सैटरडे हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्गनेस नज़र है वो आ रही है। तो आज फाइनली कितना कलेक्शन है वो आ सकता है, देखो एज ऑफ नाउ अभी देखो नाइट के शो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है तो 39 करोड़ के आसपास आज के दिन नेट कलेक्शन है वो आता हुआ दिखाइए वो दे रहा है। जी हाँ मेरे भाई 39 CR के आसपास नेट सिंगम अगेन
एंड पहले दिन के मुकाबले गिरावट है एंड कंपेरिजन टू सेकेंड डे सैटरडे आज हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है एंड यही कुछ नंबर रहा। तो फर्स्ट ऑफ वीकेंड जाएगा 127.20 CR अपने पहले वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे सिंगम का कलेक्शन एंड वर्ल्ड वाइड समथिंग अराउंड 187 करोड़ के आसपास है वो जाने वाला है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस नंबर। अब वेट करते हैं कल भाई मेकर्स क्या ऑफिशियली नंबर है वो छापते हैं एंड वेट रहेगा। तो ये कुछ लेखा जोख है और देखो आज जो नंबर हमें गिरावट है वो देखने को मिली है भाई ये थोड़ी मुश्किलें मंडे के लिए भी है। आज हमने देखा सम प्लेसेस में भूल भैया 3 के शोज है वो ज़्यादा कर दिए गए हैं, सिंगम के शोज है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं एंड ये यस्ट एक इंडिकेटर है। मैंने ये सैटरडे के दिन कहा था, यस्टरडे के दिन आप सबको याद होगा कि भाई देखो सिंगम का कलेक्शन नीचे आ रहा है एंड ये एक इंडिकेटर है कि नेक्स्ट जो आगे वर्किंग डेज रहने वाले हैं भूल भैया 3 के शोज है वो ज़्यादा कर दिए जाएंगे। जो कि दिस वीकेंड की बात करें तो 60% शोज सिंगम के पास, 40% शोज भूल भैया 3 के पास, बट ये ओनली फॉर फर्स्ट हाफ वीकेंड। जो कि कल की बात करें अभी जो वीकडे शुरू हो रहे हैं तो ये रेशो चेंज होगा, अभी सम प्लेसेस में ये 50-50 रहने वाला है, जो कि सम प्लेसेस में भूल भैया 3 55 जाने वाली है, जो कि सिंगम अगेन 45 है वो आने वाली है। दिल्ली की बात करें शोज कम कर दिए जाएंगे सिंगम के, यूपी की बात करें शोज कम कर दिए गए हैं, मैंने अभी देखा है मंडे का जो एडवांस चल रहा है, तो या कर्नाटका कम कर दिए गए हैं, चेन्नई हो कम कर दिए गए हैं। तो ये एक रीज़न है कि फर्स्ट हाफ वीकेंड जिन प्लेसेस में कंपैरिजन टू भूल भैया 3 से कम कमाई की है, तो या कल के दिन भूल भैया 3 के शोज वो ज़्यादा कर दिए जाएंगे, जो कि सिंगम के शोज है वो कम कर दिए जाएंगे एंड जो आज हमें नंबर्स में गिरावट है वो देखने को मिली है। तो मंडे टेस्ट भाई 15 प्लस नेट कमाई है वो करनी ही होगी मंडे के दिन, अभी मंजिल काफ़ी ज़्यादा दूर है एंड 15 प्लस नेट कमाई के साथ वर्किंग डेज में एक अच्छा होल्ड है वो दिखाना होगा स्पेशली फॉर मास सर्किट की बात करें। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो पाएगा या फिर नहीं। एंड भूल भैया 3 की बात करें तो कहीं ना कहीं 36 करोड़ के आसपास नेट फिगर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है अपने डे नंबर 3 फाइनल डे फर्स्ट हाफ वीकेंड। बाकी भाई सुबह मिलेंगे, देखते हैं कल का हमें क्या एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही, आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डे वाइज एडवांस बुक डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए।